हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट में 400 करोड़ जमा कराया। ये रकम मैंने खुद अदालत को पेश किया है, डॉक्टर नवेरा शेख। कई सालों से सुर्खियों में रहने वाली कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 400 करोड़ रुपए बतौर सिक्योरिटी जमानत जमा करा दिया है। दरअसल ये रकम 641 करोड़ रुपए की मुकर्ररा थी, जिसे दो किस्तों में जमा कराने वाली थर्ड पार्टी कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल किया है और कहा है कि 240 करोड़ रुपए अगली समाहत में सुप्रीम कोर्ट के हुजूर पेश कर दिया जाएगा। और थर्ड पार्टी ने एक बैंक स्टेटमेंट दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये बावर कराया है कि हम इस काबिल हैं कि बकिया पैसों की अदायगी करके आलमा डॉक्टर नवेरा शेख की उस ज़मीन पर काम शुरू कर सकें जिसकी पैमाइश करके एसए कॉलोनी टोली चौकी हैदराबाद की ज़मीन की मिल्कियत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बताते हुए 641 करोड़ रुपए की कीमत तय की गई थी। इन तमाम बातों को आलमा डॉक्टर नवेरा शेख सीईओ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक प्राइवेट चैनल को मुतीउर रहमान अजीज से बात करते हुए बताया और सीईओ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने मजीद और बताया कि ये 641 करोड़ रुपए की रकम बतौर जमानत सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की मेरी ही ख्वाहिश थी कि सुप्रीम कोर्ट और वो लोग जो मुख्तलिफ दावे करते हैं देख लें कि कंपनी और आलमा डॉक्टर नवेरा शेख इस बात की इस्तेआत और ख्वाहिश रखते हैं कि वो लोगों की अमानतों को जल्द अज जल्द अदा करके कंपनी को आगे बढ़ाएं। आलमा डॉक्टर नवेरा शेख ने तफसीली तौर पर बताते हुए कहा कि साबका 28 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी उसमें हमारी जानिब से वकील जनाब अवतार सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट को ये पेशकश की थी कि वो लोग जो कंपनी से अपने पैसे लेकर जाना चाहते हैं उनके पैसों की अदायगी हमें जल्द अज जल्द करना है और उन लोगों के साथ हमें कंपनी को चलाना है जो आज भी लाखों की तादाद में कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। लिहाजा उसी मंशा के तहत सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर हमने ऐसे कॉलोनी टोली चौकी हैदराबाद की ज़मीन को सरकारी पैमाइशी डिपार्टमेंट से तखमीना लगाकर मुकम्मल पैसे सुप्रीम कोर्ट की मातहती में देने का वादा कर दिया था। लिहाजा बहुत सारी कंपनियों ने हीरा ग्रुप को दरख्वास्त पेश की जिसमें एक कंपनी को हमने इस बात की इजाज़त दी कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना हल्फनामा दाखिल करके हीरा ग्रुप के साथ काम करने और उसके बदले रकम की अदायगी की ख्वाहिश का इजहार करें। लिहाजा 25 जुलाई को मामला करने वाली कंपनी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होकर यह बताया कि हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए तैयार हैं, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह के रेगुलेशन और कवायद को ख्वाहिशमंद कंपनी के हवाले कर दिया है और अगली तारीख 21 अगस्त को देकर मुकम्मल रकम की अदायगी का हुक्मनामा जारी कर दिया है। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर आलमा नवेरा शेख ने बताया कि सबसे बड़ी हकीकत की बात यह है कि कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज न बैंक का एक रुपया कर्ज है और ना ही किसी तरह का कंपनी के खिलाफ गलत प्रूफ साबित हुआ है, लिहाजा ये जमा होने वाली रकम की कोई किस्म नहीं है कि ये पैसा फलां के लिए है और वो फलां के लिए। सुप्रीम कोर्ट के अब तक की तमाम समाअतों और अदालती हुक्म के मुताबिक सरमायाकारों की कोई किस्म नहीं है। अलबत्ता जब भी मुकम्मल पैसे जमा हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से एक कमेटी को इनेकाद में लाया जाएगा और उन तमाम लोगों की अदायगी शुरू हो जाएगी जो अपने पैसों को चाहते हैं। अलबत्ता हर शख्स जो पैसा चाहता है उसकी जांच पड़ताल होगी कि आया कौन शख्स कंपनी का सरमायाकार है और कौन सरमायाकार नहीं है, चाहे वो कंपनी के साथ बने रहने वाले हों या किसी कोर्ट कचहरी या डिपार्टमेंट के मातहती में गए हों।
हीरा ग्रुप से अपनी रकम चाहने वालों के लिए कंपनी अपने तरीके से जांच पड़ताल करके सरमायाकारों की अदायगी करेगी, और जो लोग जांच एजेंसियों के पास गए हैं, जांच एजेंसी अपने तरीके से उनकी जांच पड़ताल करेगी। जो लोग सरमायाकार साबित होंगे उनको पैसे की अदायगी कर दी जाएगी, और जो रकम सरमायाकारों की अदायगी के बाद सुप्रीम कोर्ट या किसी महकमे की मातहती में बाकी बचेगा वो हीरा ग्रुप के अकाउंट में ही वापस आ जाएगा। कुल मिलाकर आलमा डॉक्टर नवीर शेख ने बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा करम और शुक्र एहसान है कि कंपनी मुकम्मल तरीके से साजिशों के दरमियान से बाहर निकल चुकी है। इसमें मुखलिस सरमायाकारों की दुआओं और सब्र की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही है। मैं उन लोगों के साथ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में हूँ जिन्होंने हमारी मुश्किल हालात में कंधे से कंधा मिलाकर कायम रहने और कंपनी के शबिया को ख़राब होने से बचाने की बे इंतहा कोशिश करते रहे। कंपनी हक पर थी और आइंदा भी इंशाअल्लाह खशियत इलाही को मद्देनज़र रखते हुए काम करेगी। ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि कंपनी ने सरमायाकारों के पैसों और अमानतों जायदादों को बचाने की बे इंतहा कोशिश की गई, जिसकी मिसाल हिंदुस्तान की सरजमीन पर दूसरी किसी कंपनी का नहीं मिलता। इस बात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के बे इंतहा शुक्रगुज़ार हैं।